जहां पूरा देश इस वक्त नवरात और मां दुर्गा के आने की खुशी में भक्ति में लीन है, वहीं बछवाड़ा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर कैदराबाद में बच्चों को गलत शिक्षा देकर भरमाया जा रहा, दो धर्मों के बीच जो है लड़ाया जा रहा। बच्चों का कहना है कि वहां के शिक्षक जो एक मुस्लिम है, वो बताते हैं कि हनुमान जी जो थे वह नवाज पढ़ते थे और हनुमान जी को नवाज पढ़ने के लिए राम भगवान प्रेरित करते थे, और जब इस तरह की घटना आती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होना लाजमी है। जब सवाल खड़ा हुआ तो उस स्कूल के शिक्षक, कई शिक्षक और ने बताया कि इस तरह की घटना गलत है। उन्होंने शिक्षक को समझाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं शिक्षक भी आपत्ति दर्ज किए। ग्रामीण का कहना है कि ऐसे ऐसे शिक्षक को तत्काल जो है शिक्षा से निलंबित किया जाए। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने भी ऐसे ऐसे शिक्षकों को सरकार से मांग की है कि ऐसे शिक्षक को तुरंत जो है सेवानिवृत्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए, नहीं तो ऐसे ऐसे शिक्षक अगर स्कूल में रहेंगे तो दो धर्मों के बीच बंटवारा होगा, भ्रमित फायदा होगा। आए दिन बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा, रामायण को स्कूल में पढ़ाया जाए, एक सब्जेक्ट दिया जाए, लेकिन इस तरह की घटना जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे ऐसे शिक्षक को सस्पेंड करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? क्या इस तरह के शिक्षक अगर शिक्षा दे रहे हैं तो क्या सरकार इस पर निगरानी क्यों नहीं रखती है? दो धर्मों के बीच लड़ाया जा रहा, आए दिन हम लोग को सनातन धर्म में बताया जा रहा है कि रामायण को एक विषय में भी रखा जाए, हनुमान चालीसा को भी स्कूल का एक सब्जेक्ट में रखा जाए ताकि बच्चों को यह शिक्षा दिया जाए, लेकिन जब ऐसे ऐसे शिक्षक आते हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी एक मुस्लिम थे और वो भी नवाज पढ़ते थे और नवाज पढ़ने के लिए रामचंद्र जी जो है प्रेरित करते थे, अगर ऐसे ऐसे शिक्षक होते हैं तो कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच युद्ध होगा, भ्रमित फैलाया जाएगा और दो धर्मों के बीच जो टकराव होगा। क्या ऐसे ऐसे शिक्षक को निलंबित करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।